दोस्तों आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कागज का कुछ हिस्सा साइज का टुकड़ा लेंगे, फिर एक छोटी टेप लेंगे, फिर कार्डबोर्ड कागज पर टेप को रखकर गोल घेरा बना लेंगे, फिर उसके बाद एक कैंची से उसे बड़ी सावधानी से काट देंगे, फिर एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेंगे और ग्लू गन की मदद से गोल घेरे पर कपड़े को चिपका दिया जाता है और उसके बाद लाल कपड़े के टुकड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कैंची से काट देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद बचे हुए हिस्से को कैंची से कुछ इस तरह कट लगा देंगे, फिर ग्लू गन से फोल्ड करके चिपका दिया जाता है और फिर फेविकोल से अपने नाम के पहले शब्द की डिजाइन बनाई जाती है। और फिर दोस्तों आप अपने नाम का पहला शब्द या अपना नाम भी लिख सकते हो। तो फिर कुछ मोती लेंगे और नाम के पहले शब्द पर कुछ हिस्से डंडी से बड़ी सावधानी से चिपका दिया जाता है। उसके बाद कुछ गोल और बड़े मोती लेंगे और डिजाइन पर एक दीवार बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। हम मोती को लगाते हैं, तब तक हम क्या बनाने वाले हैं कमेंट में बताओ। जो जीनियस होगा वो फटाफट कमेंट में बता देगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप का क्या जवाब था अब मैं बता देता हूं कि दोस्तों कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आने वाला, जिसमें एक बहन अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है। रक्षाबंधन भारत का बहुत ही सुंदर और खुशियां का त्योहार है। तो आप समझ गए होंगे कि हम एक राखी बनाने वाले हैं। तो जो भाई अपनी बहन से प्यार करता है वो कॉमेंट में लव यू सिस्टर लिखेगा और जो बहन अपने भाई से सच्चा प्यार करती है वो कॉमेंट में लव यू भाई लिखेंगी। मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन अपने भाई बहन से दिल से प्यार करता है। तो फिर एक गोल्डन धागा लेंगे, फिर एक गोल गोल कलर का मोती लेंगे, फिर एक सुई से मोतियों को फिरो दिया जाता है और फिर एक लाल रंग का कागज लेंगे, फिर ग्लू गन से कागज को धागे से चिपका दिया जाता है और फिर जो डिजाइन हमने बनाई है उस डिजाइन को लाल कागज के टुकड़े पर बड़ी सावधानी से बिना कोई मिस्टेक के चिपका दिया जाता है और फिर धागे के अगले हिस्से पर गांठ बांध देंगे। तो फिर अंत में तैयार है आपके सामने हाथों से बनी राखी जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो अब आप बताओ कि रक्षाबंधन कब है कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।